नमस्कार, TV24 में स्वागत है आपका। मैं हूं अभितोष सिंह और आप देख रहे हैं ऑन स्पॉट। केंद्र सरकार ने अचानक पूरे देश का ध्यान एक ऐसे मुद्दे की ओर खींचा जिसे लेकर सवर्ण कुछ महीने पहले सड़क पर उतरे थे। मसला आरक्षण का है। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का फैसला किया। कैबिनेट ने सोमवार को फैसला लिया और आज बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है। बहरहाल, यहां पर चर्चा इसकी टाइमिंग को लेकर हो रही, क्योंकि सरकार के पास कुल मिलाकर 3 महीने का वक्त बचा हुआ है और आरक्षण बिल का एसपी, बीएसपी और एनसीपी जैसी कुछ पार्टियां समर्थन कर रही, तो जो दूसरी पार्टियां हैं जो समर्थन नहीं कर रही हैं वो भी विरोध की स्थिति में ज्यादा नजर नहीं आ रही। कहा जा सकता है कि मौजूदा सरकार ने आरक्षण का अचूक वार कर एक तीर से कई निशाने साधे। दरअसल, सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का ऐलान कर मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला, गेंद विपक्षी पार्टियों के पाले में डाल दी। इस फैसले से सवर्णों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई तो विपक्षी पार्टी इसकी टाइमिंग को लेकर थोड़ी सी नाराज है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर बहस के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। गरीब सवर्ण को 10% आरक्षण देने का फैसला मोदी सरकार ने लिया तो सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया। विपक्ष का हर नुमाइंदा इसका अपने अलग अलग अंदाज में समीकरण निकालने में जुट गया। इस फैसले से सरकार को सवर्णों की नाराजगी दूर करने में सफलता मिलेगी, साथ ही 2019 के चुनावी युद्ध में कुछ सफलता का फॉर्मूला भी मिलेगा, क्योंकि गर्मा रहे चुनावी माहौल के बीच एससी, एसटी और ओबीसी के लिए निर्धारित 50% के कोटे को छेड़े बिना सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने के इस फैसले को मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसका लाभ सवर्ण हिंदुओं के साथ साथ सभी अनारक्षित जाति के गरीबों को मिलेगा। देखिए, ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, सबका साथ सबका विकास। 132 करोड़ हिंदुस्तानी की फिक्र करते हैं प्रधानमंत्री, सबको साथ लेकर चलते हैं प्रधानमंत्री। स्वर्ण समाज में भी बहुत बड़ी तादाद में गरीब लोग हैं और उनके मन में भी था कि जब सबको आरक्षण मिल रहा है तो स्वर्ण समाज में जो गरीब है उसका भी इस देश के संसाधन पर हक है, और वो हक देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बहुत मैं उनको बधाई देता हूँ। इसमें आर्थिक पिछड़ेपन की परिभाषा ओबीसी के समान ही रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी। इस फैसले को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा, इसलिए मंगलवार को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश कर दिया गया। इस सत्र में इसे पारित कराने के मकसद से राज्यसभा की कार्यवाही भी एक दिन बढ़ा दी गई थी। सरकार इस फैसले को लेकर कितना उत्साहित है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कैबिनेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सामाजिक बराबरी की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। If it is economic consideration, then no, there is nobody can object. But if it is for a particular upper caste, then in my opinion, I would object to it, saying that Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, Muslims, Christians, they are not entitled to reservation because they were ruling class. Reservation was meant for those who were oppressed by the ruling class, and the scheduled castes were oppressed, and the scheduled tribes suffered also a lot of oppression, and there was also provision for backward classes. Now on that basis they have given reservation. That was a much later development. जाहिर है कि ये फैसला लागू होता है तो बीजेपी के परंपरागत वोटर माने जाने वाले ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ और इसके अलावा जाट और गुर्जर जैसी उन जातियों के लिए आरक्षण का रास्ता खुलेगा जो कुछ राज्यों में इससे बाहर हैं। बहरहाल,
राजनीतिक रूप में सरकार का ये सफल कदम माना जाएगा। पिछले कुछ महीने में एससी एसटी आरक्षण को लेकर उठे विवाद और कुछ स्थानों पर अगड़ी जातियों में उग्रता को थामने के लिहाज से ये बड़ा फैसला है। दरअसल कई राज्यों में अगड़ी जातियों की ओर से भी आंदोलन हुआ था। ध्यान रहे कि उत्तर प्रदेश जैसा अहम राज्य जहां से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को पिछली बार 72 सीटें मिली थी, तो वहीं अगड़ी जाति का प्रभाव अच्छा है। माना जाता है कि यहां पर 20 से 22 फीसदी सवर्ण वर्ग से आते हैं और करीब आधी सीटों पर सवर्ण वर्ग का झुकाव बहुत कुछ तय करता है। सरकार ने पहला कदम बढ़ा दिया है। अब अगर संसद में कांग्रेस समेत किसी भी विपक्षी दल ने इसका विरोध किया तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सवर्णों को आरक्षण पर बीजेपी का 56 इंची फैसला। ऐसे परिवार जिनकी सालाना आय 8 लाख या उससे कम होगी, जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि है, ऐसे परिवार जिनके पास 1000 वर्ग फीट या उससे कम का फ्लैट है, अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में जिनके पास 109 गज का प्लॉट है, गैर अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में 209 या उससे कम का प्लॉट है, और जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते थे। सरकार ने गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला सिन्हो आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किया है। रिटायर मेजर जनरल एस आर सिन्हो की अध्यक्षता में 2006 में एक आयोग का गठन किया गया था। इसने 22 जुलाई 2010 को अपनी रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में सामान्य जातियों के गरीब लोगों को भी सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी। हालांकि इस सिफारिश को तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अभी किसको कितना आरक्षण? एससी को 15%, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27%, कुल आरक्षण 49.5%। मोदी सरकार ये आरक्षण आर्थिक आधार पर ला रही है जिसकी अभी संविधान में व्यवस्था नहीं है। संविधान में जाति के आधार पर आरक्षण की बात कही गई है। ऐसे में सरकार को इसको लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। इसके लिए धारा 15 और 16 में एक एक क्लॉज जोड़ा जाएगा और सामान्य जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण की सीमा बांध दी है। ये सीमा तब बांधी गई थी जब सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की बात की गई थी। नया आरक्षण आर्थिक आधार पर होगा। सरकार को आशा है कि इस आधार पर इसे रद्द करना संभव नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ प्रमोद शर्मा, TV24। तो यहां पर केंद्र की मोदी सरकार ने आरक्षण को लेकर एक अचूक वार यहां पर चलाया है और गेंद जो डाली है विपक्षी पार्टियों के पाले में डाल दी। एनपी सिंह हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है एनपी सिंह साहब आपका। संजीव चौधरी एसपी से हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अनुज अग्रवाल वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। एनपी सिंह साहब जी, टाइमिंग को लेकर यहां पर सवाल उठ रहा है। आरक्षण एकदम सही चीज है, इसको लेकर तमाम पार्टियां भी सामने आती रही हैं। सवर्ण सड़क पर उतरे थे उस वक्त इस पर कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन फैसला जब लिया गया जब 3 महीने का लगभग वक्त आपके पास बाकी है। देखिए, हमेशा हिंदुस्तान में इलेक्शन होते रहते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में है, कभी राजस्थान में है, कभी मध्य प्रदेश में है। जब भी इसको लाते तभी आवाज़ विपक्षियों का काम है उसका विरोध करना, और वो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आलोचना करते हैं जिसकी वो कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि टाइम को लेकर इस पर कोई आलोचना की जानी चाहिए। एक बहुत अच्छी पहल है,
भारतीय जनता पार्टी ने इतनी अच्छी पहल की है कि इसकी सबको सराहना करनी चाहिए, सबको इनके साथ आना चाहिए और किसी तरह की आलोचना का इसमें सवाल ही नहीं उठना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा एक विधेयक जो आया है बहुत अच्छा है और हमारी कैबिनेट ने इसको पास किया है, तो मैं समझता हूँ कि सबको इसकी सराहना करके इसको समर्थन देना चाहिए। और अगर वो आवाज़ उठाते हैं कि इलेक्शन को लेकर, इसकी समय को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है, हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी, कहीं विधानसभा के, कहीं लोकसभा के, कहीं उपचुनाव, कहीं नगर निगम के, हर तरह के चुनाव होते रहते हैं, तो इस पर यह नहीं उठाना चाहिए कि समय को लेकर यह किया गया है। जब भी कहते हैं कि जब आँख खुल जाए, जब सवेरा होता है, पार्टी ने जब इसको ले आए हैं, जब काम शुरू कर दिया है, तो तभी इसकी पहल करनी चाहिए। और संजीव चौधरी, संजीव चौधरी, जब आँख खुल जाए तभी सवेरा होता है, आप इत्तफाक रखते हैं? देखिए, ये इस तरीके की जुमलेबाजी अभी ये चुनाव तक बहुत लाएंगे, ये बिल्कुल गलत है, इनका निराधार है ये कि चुनाव के आते आते ये क्या इसको लागू कर पाएंगे, क्या अभी उसमें संशोधन होने में कितना समय लगेगा। महत्वपूर्ण बातें ये हैं जो, क्योंकि 50% से ऊपर आरक्षण दिया ही नहीं जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब उसको 10% लागू करने के लिए नियमावली चेंज करनी पड़ेगी, संशोधन कानून में चेंज करना पड़ेगा, उसमें कैबिनेट की बैठक भी चाहिए, सभी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। समय हमारे पास 3 महीने का है चुनाव के लिए, जैसा कि ये लोग बोल रहे हैं। सरकार की ओर से क्या चालाकी की जा रही है? चालाकी केवल और केवल ये जुमलेबाजी है, पब्लिक को, हमारे वोटर्स को, जो हिंदुस्तान का वोटर्स है, उसको बहकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कैसे बहकाया, लेकिन जा रहा है इसमें? इतना अच्छा जो प्रस्ताव आया है, इसमें बहकाने वाली आप, बात ही नहीं। पहले आप बोले तो मैं बीच में तो नहीं बोला, बोलिए संजीव चौधरी अपनी बात। जब आपको बीच में बोलना होगा तब बता। देखिए, ये जो समय है ये वास्तविकता में गलत है, ये समय नहीं है। आप चुनाव, आप कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, आप चुनाव के बाद इन प्रक्रियाओं को कर देते हैं आपसे पहले। लेकिन आरक्षण का फैसला तो सही है ना, अभी कुछ दिन पहले जब कुछ दिन देखे आप ये सामने दिखाई दे रहे हैं, कपड़े उतार के प्रदर्शन किया जा रहा है, आप उसी टाइम आपका कोई प्रतिनिधि वहां जाता और इतने लोगों ने वहां डंडे खाए, इतने लोगों ने वहां सड़क पे धरना प्रदर्शन किया, आपका प्रतिनिधि कोई मौके पे पहुंचता और उसी टाइम इसे लागू, जो आप आज कर रहे हो, क्योंकि आपको चारों तरफ से आप घिर चुके हो, आप चारों तरफ से पूरे हिंदुस्तान में आपके खिलाफ आवाज है, ये मैं नहीं कह रहा, ये हर इस हिंदुस्तान, लेकिन इस मसले पर तो आप सरकार का साथ दे रहे हैं। संजीव चौधरी, आप कोई उपचुनाव होता है उसको हार रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। इस मसले पर तो साथ दे रहे हैं आप, सरकार का समर्थन आप दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, किया। लेकिन ये समय जो है उस समय का हमें वो है कि ये समय गलत समय पे इस समय आए, आप नहीं चाहते कि ये प्रस्ताव हो, देखिए पास हो, इसको आगे लागू किया जाए, आप लागू कर ही नहीं पाओगे। आप बताइए इसको, आप नहीं चाहते क्या? आप बताइए, क्या चुनाव से पहले लागू कर देंगे आप? बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल। अगर नहीं हुआ तो बताइए आप। आप नहीं होने देंगे तो नहीं होगा। हमने तो, आप रोकना चाहते हैं तो रोकिए, तो लेकर आए। हमने सिर्फ इतना आप रोकना चाहते हैं कि आप नहीं, हम नहीं रोकना चाहते, फिर हमारा विरोध, आप समर्थन करिए ना, हमारा सिर्फ विरोध इतना है, समर्थन करिए। आप कितने दिन में आपकी कैबिनेट की बैठक भी होनी है, उसमें कैबिनेट में पास होना है कानून, कानून ऐसा नहीं होता। कैबिनेट से तो हो गया, कैबिनेट से हो गया, संजीव चौधरी कैबिनेट में पास हो चुका है। आप रात को 12 बजे आते हैं और कोई आप घोषणा करते हैं वो सुबह से नहीं लागू हो जाएगी, एक नियम है, एक कानून है इस देश का, ऐसा नहीं है हिटलर से ही नहीं चल रही है देश के अंदर। चौधरी जी, एक कानून बना हुआ है, उस कानून की प्रक्रिया के तहत आप इसे 3 महीने के अंदर, मैं अब इससे आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या ये लागू कर देंगे? बिल्कुल लागू होगा। कैसे? हमें तरीका बताएं। अनुज अग्रवाल, अनुज अग्रवाल बताइए यहाँ पर, क्योंकि देखिए टाइमिंग को लेकर यहाँ सवाल जरूर उठ रहा है, लेकिन एसपी न समर्थन करने की स्थिति में, समर्थन कर रही है इस पूरे मामले में, लेकिन इसका विरोध करने की स्थिति में नहीं है, और जो पार्टियां समर्थन नहीं कर रही वो भी विरोध करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मसला है आरक्षण का, कोई भी नाराजगी नहीं झेलना चाहता। देखिए, टाइमिंग तो होती है, जब भी लिया जाएगा तब भी टाइमिंग पर प्रश्न चिन्ह उठेंगे, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई इलेक्शन होता रहता है। और चूंकि लोकसभा इलेक्शन सामने है और पिछले 5 राज्यों के चुनावों में भाजपा को अपर कहीं ना कहीं समर्ण वोटरों ने झटका दिया है, जिसकी वजह से 3 जो प्रमुख राज्य थे उनके, जहां पर उनका बहुत बड़ी पैठ थी, वहां हारी है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन कभी भी ना किसी रूप में अगर आ रहा है तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है कि कम से कम आरक्षण का जो दायरा जाति के आरक्षण से निकलकर और सवर्णों से भी निकलकर आर्थिक आधार पर आ रहा है, तो ये अपने आप में एक अच्छी पहल है कि आरक्षण कल को आगे इस ये क्या रूप लेता है ये समय बताएगा।
लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम आरक्षण के जो नए प्रावधान किए जा रहे हैं, नए पैरामीटर बनाए जा रहे हैं, जिसमें जाति धर्म सारा हटकर और पूरे सब सारे देश के जो आर्थिक रूप से निचले, यानी सभी पार्टियों को खुलकर स्वागत करना चाहिए यहाँ पर। अभी राजनीति तो होनी है, देखिए चूंकि इसका फायदा सीधे सीधे भाजपा को मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, और कोई भी पार्टी चाहे किसी भी तरीके की हो, वो अगलों के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए वो समर्थन तो देगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं इनकी मंशा पर प्रश्न चिन्ह तो खड़े करेगी। थावरचंद गहलोत साहब ने एक बड़ी टेक्निकल बात इसमें कही, इसमें देखिए चालाकी क्या हो रही है कि गाइडलाइन जो बनी है वो जातिगत आधार पर आरक्षण को लेकर बनी है, यहाँ पर जो ये आरक्षण की बात हो रही है आर्थिक आधार पर। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय में जो कहा, जिक्र किया था, जिस पर 49.5% जो सीमा रेखा खींची है वो जातिगत आरक्षण के लिए खींची है, उसमें आर्थिक आरक्षण के लिए नहीं खींची है। हाँ। तो इसलिए अरुण जेटली जी ने भी अभी संसद में जब अपने बात कह रहे थे, उन्होंने यही कहा कि इसमें कोई टेक्निकल लुकना नहीं है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि ये चूंकि संशोधन विधेयक है, इसलिए आधे राज्यों से पारित कराना भी जरूरी नहीं है इसको, तो इसलिए ये इसका अगर ये लोकसभा में आज पारित हो जाता है और कल अगर राज्यसभा से पारित हो जाता है, तो मुझे लगता है अगले कुछ दिनों में ही राष्ट्रपति इसको अधिसूचित कर देंगे, तो ये इंप्लीमेंट हो सकता है बहुत जल्दी। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए एनपी सिंह साहब, बिल्कुल सोच समझ के ये कदम उठाया गया है यहाँ पर सरकार की ओर से, ये तो मानते हैं अपना। जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चैलेंज नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट में, अगर चैलेंज होता भी है तो आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात जो हो रही है उसके लिए गाइडलाइन नहीं बना। संजीव, चैलेंज किया भी नहीं जाना चाहिए, जनता के हित में है, जनता के हित का काम किया जा रहा है, तो इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, चैलेंज का कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। नहीं, तकलीफ इस चीज को तो लेकर नहीं हो रही, संजीव चौधरी भी ये बात मान रहे हैं कि तकलीफ इस चीज को लेकर नहीं हो रही कि आरक्षण यहाँ पर मिल रहा है, तकलीफ को तो विरोध करना काम है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, संजीव जी यहाँ पर तो साथ दे रहे हैं, यहाँ पर तो साथ दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, किस लिए विरोध किया? जब स्वर्ण जाति के लोग सड़कों पर उतरे थे, आपका कोई प्रतिनिधि वहाँ क्यों नहीं पहुंचा मौके पे? बताइए, सो रहे थे? जवाब बताइए, फैसला होता सड़क पे? ऐसा नहीं, क्यों नहीं होता सड़क पे फैसला? के अंदर, अरे देश क्यों नहीं होता सड़क पे फैसला? के अंदर होता है फैसला, कैबिनेट में लिया गया है फैसला, सड़क पे थोड़ी कोई फैसला कर देगा, आप सड़क पे कर देंगे फैसला। क्या आपके कैबिनेट में पास हुआ ये? बिल्कुल, हमारी कैबिनेट में कहाँ पास हुआ ये? अरे कल ही तो पास हुआ, नहीं कैबिनेट से पास हुआ, नहीं आपके सामने पास हुआ, सारे देश को पता, कैबिनेट में सारी दुनिया को पता, क्या बताइए, अगर कैबिनेट में पास हुआ तो आप पहले ही पास करा लेते? पहले ऐसे नहीं पास होता, कैसे होता? आप कह रहे सड़क पे लोग उतरे थे, वहाँ पर फैसला कर देते, वहाँ पर बात हो जाती, क्या ऐसे हो सकता है कि सड़क पे आप आवाज उठे और वहीं पर फैसला हो जाएगा? कोई आश्वासन दे क्या? चली जाती क्या आपका कोई प्रतिनिधि? आश्वासन नहीं है, आपका कोई प्रतिनिधि इनको आश्वासन दे क्या? बात आश्वासन नहीं है, आज आपको वोट लेनी है, बात आपको वोट लेनी है, आज आपको जुमलेबाजी छोड़नी है, जुमलेबाजी आज आपको का सारे नहीं काम है। करने आप क्यों नहीं ले गए? साढ़े चार साल के आप क्यों नहीं इस प्रस्ताव को लेकर आई है, बताइए ना? साढ़े चार साल के अंदर आपको याद नहीं है? दस साल आप सारी चीज अभी याद आ रही है? आप क्यों नहीं लेकर? आप मुझे ये बताइए, आप बताइए, आप साढ़े चार साल के अंदर आपको अभी याद आया? नहीं अभी याद नहीं है, बहुत सारे काम हुए साढ़े चार साल में। क्या काम हुआ? एक भी काम? नोटबंदी का काम हुआ, नोटबंदी की बात, ठीक है, इस मसले पर, ठीक है, संजीव चौधरी एनपी सिंह साहब, नहीं आरक्षण पर रहिए, आरक्षण पर रहिए, इस मसले पर रहिए, देश की संसद भी इसी मसले पर आज बातचीत कर रही है, आप लोग आरक्षण के मसले पर रहिए। संजीव चौधरी एनपी सिंह साहब एक और हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, पवन शर्मा बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए सर, इसमें जो कदम उठाया गया है मोदी सरकार की ओर से, आप इसके साथ हैं? कितना साथ? देखिए हमारी पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है, हमने पहले ही बोला था जी कि जो भी आर्थिक और सामाजिक आधार के ऊपर अगर आरक्षण की बात आती है तो हम लोग साथ में हैं जी। लेकिन आपके मैं सुन रहा था कि जिसमें इनकी मंशा पे सवाल है, हम नहीं, जनता भी उठा रही है आज। आज चार साल आठ महीने इनको सत्ता में आए हुए हो गए, अगर इनकी मंशा ठीक होती तो ये इससे पहले अपने जो घोषणा पत्र है उनके ऊपर काम करते, घोषणा पत्र पे इन्होंने कोई काम किया नहीं। आज जब ये हर जगह फंस चुके हैं, आज जब इनके वादे पूरे नहीं हुए हैं, जनता इनसे पूछ रही है, तब उन्होंने जाके जो है एक ऐसा सगुफा छोड़ने की बात करी। तो ये वादा पूरा कर ले जाएगी सरकार? नहीं, ये बताइए, देखिए वादा तो देखिए कहीं ना कहीं सरकार को पूरे करने चाहिए। अगर कोई नहीं, ये वाला, ये तीन महीने का वक्त नहीं है आरक्षण की बात करें, देखिए अगर कोई वादा है उसमें सरकार की मंशा पे कई तरह से मैं सवाल उठाए हैं। अगर इनको, अगर ये सबका साथ में लेना था तो इनको एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी, जिसके अंदर ही बात करते, उसके अंदर सभी पार्टियों से विचार विमर्श करते,
तो कोई बात जेपीसी के लिए कोई गठित करने की बात नहीं होती। ये बेसिकली होता क्या है कि ये लोग कोई बात करते नहीं है। कांग्रेस ने आयोग गठित किया, कांग्रेस के आयोग की रिपोर्ट रखी हुई है, वो आप 2010 के इंप्लीमेंट नहीं करी, क्या करूं 2000 इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो क्या परेशानी है? कहां कहां परेशानी? हमने कब मना किया कि परेशानी है? हमें कोई परेशानी ठीक है। पवन शर्मा, पवन शर्मा अपनी बात कीजिए, पवन शर्मा अपनी बात कीजिए, अपनी बात कीजिए। हाँ। अगर कोई चीज कानून पास हो रहा है तो क्या उसका संसद के अंदर विचार विमर्श नहीं होना चाहिए? विचारों का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए? अगर वो तो चल ही रही है, मैं वही तो करूँ, अगर बहस चल रही है तो उसमें कहां बुराई है? सार्थक बहस होनी चाहिए और वो बहस हर कोई राजनीतिक दल कर रहा है, जहां जिस आप ही को है ना। अरे भैया कहां तकलीफ है और क्या? आप तकलीफ कहाँ है? हमें कोई तकलीफ नहीं है, ये तकलीफ तो जनता को है आप लोगों की वजह से। जनता को कोई आपने जो तभी तो आपको पांच राज्यों में जनता ने आयोजन दिखाया के लिए ही आया, तभी कहीं जाके आपको स्वर्ण आरक्षण की बात याद आई, जब आपको आईना दिखाया। आप उसके ऊपर आइए, संजीव चौधरी, संजीव चौधरी क्या नहीं देखिए। आज भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल डर गई है। देश में जो ये चुनाव, जितने भी चुनाव अब इनके खिलाफ पिछले कई सालों से, लगभग 1.5-2 साल से जितने भी अब उपचुनाव हो रहे हो, चाहे वो राज्य के सर चुनाव रहे हो, जितने भी चुनाव होते आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी परास्त होती जा रही है। बिल्कुल नहीं, तो किससे डरी, किससे डरी? देखो आप बीजेपी से डरी है, बीजेपी से डरी है या विपक्षी पार्टियों से? आप या तो आप बीजेपी का नेता लिखवा लीजिए। पिछली दफे भी आपसे मैं यही बात कर रहा था। संजीव चौधरी पत्रकार बैठे हुए, या तो आप बीजेपी पता नहीं, आपको पता नहीं लिखा प्रतिनिधि रखा जाता है? संजीव चौधरी, संजीव चौधरी, संजीव चौधरी, आप अपने बोलिए। नहीं निजी, अच्छा निजी हमले नहीं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं संजीव चौधरी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग ठंडा पानी पीजिए, शांत हो जाइए, एक छोटा सा ब्रेक, और जब हाजिर होंगे तो फिर से इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि संसद में भी इसको लेकर चर्चा हो रही है, आरक्षण का मसला कितना ज्यादा टेक्निकल। एक छोटा सा ब्रेक, आप ऐसी बातें कहेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। संजीव चौधरी अपनी बात पूरी कर रहे हैं, लेकिन संजीव चौधरी एक बार आपसे ये गुजारिश है कि निजी हमले नहीं कीजिए, है ना। यहाँ जो सवाल पूछे जा रहे हैं और मसले पर ही रहिए, आप नोटबंदी और जीएसटी इन सब बातों पे नहीं करिए, आज सिर्फ आरक्षण के मसले पर संसद में बात हो रही है। नोटबंदी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कही, तो मुझे उसका जवाब देना था। ठीक है, अब अपनी बात मुझे उसका जवाब अपनी बात रखिए, अब सवाल पूछिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये इनकी सरकार तमाम हिंदुस्तान के अंदर ये बौखला चुके हैं, इनके खुद के ही सांसद इनके कब्जे में नहीं है, वही उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं इन्हीं के ऊपर, इन्हीं के सांसद इन्हीं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस मसले में तो आप सरकार के साथ है ना, आरक्षण के मसले पर। दूसरी बात इन्हीं के कैबिनेट मंत्री कल उन्होंने कहा कि सीबीआई का इस्तेमाल मोदी जी गलत करते हैं, मौजूदा कैबिनेट मंत्री। ऐसे इनकी क्या मजबूरी है जो इन्हीं के मंत्री, आरक्षण की बात कीजिए ना, आरक्षण पे भी उन्होंने काफी कुछ। दूसरी बात, जहां तक सवाल राजभर का जिक्र कर रहा है, जहां तक सवाल इस बात का है, हाँ, साथ रहने का या ना रहने का, हाँ, हमारा विरोध इस बात से नहीं है कि 10% मिल रहा है नहीं मिलना चाहिए, हाँ, हमारा, हमें कह रहे हैं कि 10% मिलना चाहिए, लेकिन हमारा आरोप सिर्फ इस बात का है कि जब चुनाव नजदीक है तो या तो ये चुनाव के, क्योंकि ये लागू हो ही नहीं पाएगा, या इतनी जल्दी इन्हें तत्परता क्यों है, रात को 12 बजे से एकजुट हो जाइए ना, एकजुट हो जाइए, एक मिनट, एकजुटता अगर होनी है तो एकजुट ये मंदिर पे क्यों नहीं होते, अगर इन्हें एकजुटता ही दिखानी है तो मंदिर का भी कल ही फैसला कर लेंगे, क्या परेशानी है इनकी, दूसरी बात, एक सेकंड की, दूसरी बात, इनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि ये ज्यादा जल्दी में है, बहुत ज्यादा जल्दी, एक महीने में सब कुछ करना चाहते हैं, सीबीआई के अधिकारी को हटा देते हैं, रात रात में 12 बजे आते, आखिर ये रात को 12 बजे ही क्यों काम करते हैं, 12 बजे एमपी सिंह साहब, आप 12 बजे में सबके सामने कह देना चाहता हूं कौन लोग काम करते हैं, मैं मुंह से नहीं कहना चाहता, वो कौन लोग होते हैं जो रात को काम करते हैं, ये सब सारा देश जानता है। एमपी सिंह साहब, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। आपने जितनी बातें की हैं, चाहे राजभर जी को लेकर बात की है आपने, चाहे आपने मोदी जी के विरोध की बात की है, ये एक मुद्दा ऐसा है जो सारी देश की जनता से जुड़ा हुआ है, सारी देश की जनता के हित में है। आप निजी हमलों पर ना जाएं, जैसा कि आप राजभर जी की बात कर रहे थे, आपके ऊपर बात आएगी तो शिवपाल जी भी आ जाएंगे, दूसरे लोग भी आ जाएंगे, उसका कोई किसानों का है। किसानों की मांग जायज नहीं है, हम बताइए, सुन लीजिए, संजीव जी आज आरक्षण पर रहिए, आरक्षण पर रहिए, गन्ने के लिए भी पैसा दिया जा रहा है, आरक्षण पर रहिए, आरक्षण के मसले पर रहिए आज, आरक्षण के लिए देखिए, अभी तो जी इनको खतरा हो चुका है, सवाल इनसे भाग चुका है, आप पूरे हिंदुस्तान का इनसे भाग चुका है, पवन शर्मा जुमलेबाजी पवन शर्मा नहीं है, आपको जुमलेबाजी की सरकार है, केवल ये भकाने का काम कर रही है, लेकिन आप सब लोग पड़े हुए हैं, विपक्षी पार्टियों घबराहट है मोदी सरकार के सामने। देखिए, घबराहट तो है ही है, अगर आप देखेंगे किसी भी मुद्दे को लेकर, अगर ये जनता के सामने गए हैं, इनको मुंह की खानी पड़ रही है, इस मसले पे बताइए, क्योंकि किसी भी मसला देख लो, नोटबंदी की बात कर रहे हैं, नोटबंदी पे इन्होंने बेसिकली पूरी आरक्षण पे बात कीजिए सर, नोटबंदी के बाद हमारी स्टेट में सरकार बनी है, नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, 300 सीट जीत कर आए हम, नहीं नहीं यार, बस कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को लेके झुंझुना मत बजाइए, उत्तर प्रदेश को लेके झुंझुना मत बजाइए, नोटबंदी से आगे बढ़िए, आरक्षण पर बात कीजिए, नोटबंदी से आगे बढ़िए, अगर इनके आरक्षण के ऊपर इनकी अगर मनसा ठीक होती, वो ये कहते हैं ना नीति और नियत, अगर इनकी ठीक होती तो ये आरक्षण के ऊपर जैसे ही इनकी सरकार बनी थी उसके ऊपर इनको काम करना चाहिए था। आज अगर आरक्षण की बात करते आ रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, क्योंकि स्वर्णों का इनके ऊपर से विश्वास उठ चुका है। आज अगर देखें, अभी किस एक हफ्ते पहले इकोनॉमिक सर्वे का डाटा आया जो बेरोजगारी के ऊपर आया है, 7.5% बेरोजगारी दर बढ़ गई है। आप एक तरफ तो आरक्षण की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप बेरोजगारी बढ़ाए जा रहे हैं, आप आरक्षण, उस आरक्षण का क्या फायदा जिसमें आप रोजगार दे ही नहीं पाएंगे। आप पहले रोजगार क्रिएट करिए, आप लोगों को रोजगार दीजिए, 24 लाख पद आज सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली पड़े हैं, आप उनको पहले भरने की कोशिश कीजिए। 24 लाख विरोध करेंगे, 24 लाख नहीं, ऐसे ऐसे आप विरोध करेंगे, 24 लाख का डाटा है, ये आंकड़ा एक बार, 24 लाख, 24 लाख पद है, आप अभी 5 लाख पोस्ट, 24 लाख पद खाली पड़े हैं, गलत बात, और
आप देखिए 4 से 14 तक आपकी सरकार रही, क्यों नहीं लेकर आया? आप बताइए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डाटा देखिए, आज हमको देखिए संजीव चौधरी, आपके नाम से बारी आएगा, आपकी बारी आएगा, लागू ही नहीं कर पाओगे। सुनिए, पवन शर्मा, 2017 में 4,79,00,000 का मतलब बेरोजगारी थी, जनसंख्या कितनी थी, और आज 2018 में जो बेरोजगारी बढ़ के जो डाटा जो बढ़ा है वो करीबन 1,10,00,000 का डाटा है जो रोजगारी गई है, बेसिकली जो बेरोजगार हुए लोग। पवन जी, इसमें जनसंख्या कितनी बड़ी, इस बीच में किसमें जनसंख्या देखे ना आप, कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी वो आपको देखना है। 2004 से अब तक कम से कम 25, 2004 की बात ही नहीं कर रहा मैं 2017 की बात कर रहा हूँ। 2017 में 4,79,00,000 का रोजगार था, अनुज अग्रवाल समझाइए, 97,00,000 करोड़ ये समझाइए कि इस वक्त क्या जो तमाम मुद्दे हैं जिस पर सरकार यहां पर घिर रही है, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, उन मुद्दों से ध्यान अलग करने के लिए क्या आरक्षण के मसले को जानबूझकर इसीलिए लाया गया है, या फिर इससे वाकई फायदा पहुंचाने की कोशिश यहां पर सरकार की जा रही है? बहुत बड़ी एक डिमांड थी और देश में करोड़ों लोग देश के बाहर चले गए प्रवासी भारतीय बनकर, उन्होंने वहां संघर्ष करके अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी पहचान बनाई। अगर वो देश में उनको अकोमोडेट करता देश, तो आज वो अपनी प्रतिभा का, अपनी क्षमता का इस्तेमाल देश के लिए करते, लेकिन उन्होंने विदेशों की इकोनॉमी बढ़ा दी और हम आरक्षण के नाम पे SC ST OBC आरक्षण में देश की पूरी अर्थव्यवस्था हमने ऐसी तैसी कर दी। सरकार में अयोग्य लोगों का, हमने लाखों लोगों का चयन किया, तो कम से कम योग्यता के मापदंड पर हम चयन करते तो स्थितियां दूसरी होती। अब अगर एक अच्छी पहल सरकार की है जिसमें सारी पार्टियों की कहीं ना कहीं रजामंदी है, कुछ ना कुछ उनके कॉन्सिक्वेंसेज, उनके अपने ग्रीवेंसेज होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, मंशा पर भी सवाल उठा सकते हैं, नियत पर उठाने भी चाहिए, इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर एक अच्छा कदम हो रहा है। कैसे भी हो, राजनीतिक फायदा हो, उनका नुकसान हो रहा हो, ये उनके खेल है, लेकिन कम से कम एक जो मुख्य धारा का प्रश्न था, सवर्ण व्यक्ति या आर्थिक आधार पर जो पिछड़ा व्यक्ति है वो मुख्य धारा में आ सके और वो कम से कम देश के लिए अपनी प्रतिभा का, अपनी क्षमता का योगदान कर सके और देश को विकास की धरातल पर आगे ले जा सके, तो ये एक ऐसा अवसर आया। इसलिए मुझे लगता है कि इसको राजनीति से ऊपर रखना चाहिए इस मुद्दे को, और कहीं ना कहीं सबको इसका साथ देना। ऐसा हो पा रहा है ये बताइए ना, राजनीति से ऊपर? मुझे लगता है कि लोकसभा में भी कांग्रेस ने व्हिप जारी किया है और कोई भी पार्टी चाहे अपनी बड़ी तर्क तो देगी, अपनी बात तो कहेगी, लेकिन इसके खिलाफ कोई वोट नहीं देगी, या तो वोट देगी या सदन का बहिष्कार कर देगी। उच्च जातियों का आरक्षण तो बड़ा वाजिब सा सवाल संजीव चौधरी यहाँ पर उठा रहे थे कि जब सवर्ण सड़क पर थे तब क्यों नहीं आपका कोई नुमाइंदा वहां गया बातचीत करने के लिए, क्यों नहीं आश्वासन दिया गया, एक समय दिया गया होता आपका एक प्रतिनिधि वहां जाता जी। ये फैसले कैबिनेट में होते हैं, ये फैसले लोकसभा में होते हैं, ये फैसले सड़क पर नहीं होते, नहीं सड़क पर, सड़क पर फैसले होने बात हो रही है, सड़क पर दबाव बनता है, सड़क पर प्रदर्शन होता है, विरोध किया जाता है, ऐसा नहीं है, मैं वही कह रहा हूं। आपको क्या लग रहा है, हमारी सरकार जाएगी नहीं, हमारी सरकार रहेगी, ऐसा नहीं, आप उस बात को छोड़ दीजिए। मुझे लगता है चौधरी साहब को स्पष्ट नहीं है, लेकिन बातें सब जगह हुई, राज्य सरकारों ने और जो आंदोलन कर रहे थे उनके प्रतिनिधिमंडल में खूब बातें हुई है, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, तुरंत एकदम नतीजे पर नहीं पहुंची, क्योंकि और ये बातें कहीं नहीं हुई। वो तो आज मुद्दा ही नहीं है, अगर वो उठाने लगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। देखिए जाटों को आपने नाश किया, सबका सबका, भारतीय जनता पार्टी ने नाश किया, जनता पार्टी ने किसी का नाश ले जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी केवल जनता पार्टी देश को चला रही है, साहब देश को आप आरोप लगाइए। अरे आप सुनिए, आप अगर ये कहना चाहते हैं पूरा देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, पूरा किसान बेरोजगारी से जूझ रहा है, और आप अपनी मजे में घूम रहे हैं, आपके सरकार ने वो काम नहीं किया जो आपके सरकार, आपको शरण आनी चाहिए, पट्टे इस देश से माफी मांगनी चाहिए, कर दिया हमारी सरकार ने, इस देश से माफी मांगनी चाहिए, जो वो काम नहीं किया आपको, आपकी आपकी सरकार में जिस तरह का करप्शन हुआ है वो हमारे टाइम में नहीं हुआ। आपके तीन, आप सुनिए फिर मैं दूसरे मुद्दे पे चला जाऊंगा, आप किसी भी मुद्दे लगाने चाहिए। तीन प्रमुख सचिव अभी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, आरक्षण मंत्री जेल चले गए, बात देख लीजिए, आपके अधिकार आप जेल में मसले से भटक गए, मसले से भटक गए। देखिए आपके
अधिकारी जेल में। एनपी सिंह साहब, एनपी सिंह साहब आप देखिए जवाब नहीं दे रहे हैं, समय समय को लेकर जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए फिर दोनों लोग मसले से हट गए, समय को लेकर जवाब नहीं दे रहे हैं कि पहले क्यों नहीं ये फैसला लिया गया जब वक्त था आपके पास, अब वक्त नहीं है सर। देखिए अभी भी वक्त है, मैंने पहले भी कहा था जब आप कैसे कराएंगे बताइए कैसे कराएंगे। अभी हाँ। भी इसमें कहा गया है ये जातिगत आरक्षण नहीं है, ये आर्थिक आधार पर है, इसको बढ़ाया जा सकता है। ये कैबिनेट के अंदर पास हो गया है, लोकसभा में बहस चल रही है, राज्यसभा में पास हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। मेरे भाई बैठे हुए हैं सपा के और कांग्रेस के, मुझे नहीं लगता कि ये भी इसका विरोध करेंगे, और ये पास हो जाना चाहिए, देश की जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए। नहीं आरक्षण के मसले तो सभी लोग सहमत है, यहाँ पर पवन शर्मा भी सहमत तो है, यहाँ पर संजीव चौधरी भी सहमत है, लेकिन टाइमिंग को लेकर सहमत नहीं है। एक बार तो यही लग रहा है यहाँ पर, जब भी करते तभी विरोध करना था पवन शर्मा को, जब भी करते तभी। एक चीज बताइए, जितने काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं कहां पर विरोधी दलों ने विरोध नहीं किया है, कितना बेरोजगार दिया, नहीं किया, हरेक मुद्दे पर, हरेक मुद्दे पर विरोध किया गया है। आपने आपने कितने किसानों का कर्ज माफ किया, एससी पर भी विरोध हुआ है, अरे अगर वादा गिराने लगे पवन शर्मा सुबह से शाम हो जाएगी सिंह साहब, आप जवाब नहीं दे पाओगे, काम विरोध करना है, आप जवाब नहीं दे पाओगे, वेतन देकर आइए ना, आप जवाब नहीं दे पाओगे, आप इस देश को छलने का काम कर रहे हैं। ये मैं आपको कह देना चाह रहा हूँ सिंह साहब, आप ये चाहते कि आपने जो अनैतिक कार्य किए हैं, आपने एचएल को बर्बाद कर दिया, आपने राफेल का जो डील करी उसमें अगर आपसे पूछा जाए कोई भी राफेल को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, एसपी इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, बरी कर दिया, कुछ नहीं हुआ। अगर आप कहीं पे भी आपके सारे कितने लोग आपके, कोई नहीं, कोई भी नहीं, कोई पुराने पन्ने मत पलटिए, पुराने पन्ने मत पलटिए, बात आरक्षण पर कीजिए, आरक्षण के मसले पर कीजिए कि पहले भी कोशिशें हुई पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में 1992 में, उस वक्त भी कोशिश हुई, लेकिन उस वक्त ये पूरा मामला कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, तब चला गया, उन सब चीजों की बात कीजिए सर, आज आरक्षण के मसले पर नहीं, लेकिन पूरे मामले पर, पूरे मामले पर पवन शर्मा आपकी सरकार की आप क्यों नहीं लेके आए, पवन शर्मा अब जैसे सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर कोई पहुंचता है तो उसके सामने क्या मुश्किलें आएंगी ये बताइए सर। देखिए वो तो जो पहुंचेगा उसको आएंगी, नहीं नहीं टेक्निकल दिक्कत तो बताइए ना सर, यहाँ पर नहीं क्यों जातिगत इस बार आरक्षण नहीं हो रहा सर, नहीं वो नहीं हो रहा, आर्थिक आधार पर हो रहा ना, इसकी तो आप आलोचना नहीं कर सकते ना इसकी। अब तो ये अब क्योंकि इसको नियम बनाया जा रहा है कि आई थिंक धारा 9 के तहत कुछ ऐसा कुछ, क्योंकि मेरे को धारा का ज्यादा ज्ञान नहीं है, 15-16 में बदलाव, 15-16 में उसमें धारा 9 के अंतर्गत शायद कुछ उसमें ऐड किया जा रहा है, और उसके अंदर अगर कानून बनने के बाद में संविधान में अगर संशोधन हो जाता है तो शायद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीज उसमें मान्य हो जाए। लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखिए, अगर हमारा जो पहले भी हम कह रहे थे कि 1991 में नरसिम्हा राव जी ने 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया, बाकायदा नियम बना और संसद में पास हुआ, लेकिन 1992 के अंदर सुप्रीम कोर्ट द्वारा वो खारिज हो गया। ऐसे ही कुछ राज्यों में भी सर ये कोशिश हुई, हर बार हुआ, 2004 में भी एक बार हुआ, गुजरात में अनुज अग्रवाल जी 2010-11 के बाद में जब एक कमीशन का आयोग गठित किया गया और उसकी जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट के आधार पे ही अब इस सरकार ने जो है ये आगे की कार्यवाही शुरू करी है। उसमें हमने पहले भी कहा हमारा कहीं कोई अगर कोई दबे कुचले लोगों को अगर आर्थिक आधार के ऊपर समानता का अधिकार मिलता है, कोई दिक्कत उनको बेरोजगारी से अगर रोजगार मिलता है, उनको अगर शिक्षा में आरक्षण मिलता है, तो कहीं कोई मतलब हमारे को कोई विरोध नहीं है। 2010 में क्यों नहीं लागू किया, 2010 में कर सकते थे उसको। ठीक है अनुज अग्रवाल, अनुज अग्रवाल जी ने स्पष्ट किया कि ये आरक्षण है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो 49.5% रिजर्वेशन का क्राइटेरिया रखा हुआ उन्होंने मैक्सिमम, वो सिर्फ जाति वाले आरक्षण पर रखा हुआ, आर्थिक आधार पर आरक्षण पर नहीं रखा हुआ, ये उस आदेश से अलग है, इसलिए इसको चैलेंज नहीं दे सकते। दूसरी चीज उन्होंने वित्त मंत्री जी ने कही कि ये चूंकि संशोधन विधेयक है इसलिए इसको आधे राज्यों से पारित कराना जरूरी नहीं है, तो अगर लोकसभा और राज्यसभा 2/3 बहुमत से पास कर देती तो तुरंत ये विधेयक जो है कानून के रूप में बदल जाएगा। और इसमें सबसे अभूतपूर्व बात रखिए, निजी क्षेत्र का आरक्षण, जो अब तक निजी क्षेत्र में आरक्षण की कोई बात नहीं थी, पहली बार निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा अभूतपूर्व कदम है, और ये कहीं ना कहीं कल को SC/ST OBC को भी निजी क्षेत्र में आरक्षण की राह खोलेगा। उसमें अभी भी लिखा है, इसमें कहीं कोई लिखा नहीं है, उन्होंने साफ बोला है कि पहले सब लिखा है, ना स्पष्ट है सर, आज पार्लियामेंट डिस्कशन में ही उन्होंने जेटली जी ने बोला है कि पहले के भी जितने भी जो SC/ST के भी जो अधिनियम लागू हैं उनमें भी कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि उनको आरक्षण प्राइवेट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सेम वही सेम प्रोसीजर पे है। और इसमें हमारी जो पहले जो मानते हैं कि इसमें
जो प्राइवेट में भी आरक्षण मिले और हर जगह में आरक्षण मिले, स्पष्ट लिखित लिखित लिखा है, लिखित लिखा है, नहीं आप दोबारा मान के बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, सारी जगह पर आ रहा है पार्लियामेंट, मैंने सुनी है खुद बहस, उन्होंने बोला था उसी का उन्होंने जवाब, क्योंकि ये चीज किसी सदस्य ने उठाई थी कि इसमें क्या प्राइवेट जो सेक्टर है उनमें भी क्या आरक्षण मिलेगा उन लोगों को, तो उन्होंने उसके बारे में कहा कि पहले भी कहीं ऐसा कुछ लिखा नहीं गया और आज भी इसमें कोई ऐसा कोई प्रावधान, हम कोई पुरानी चीज को हटा नहीं रहे हैं, पुरानी चीज को हटा नहीं रहे हैं, गलत डिफाइन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए ठीक है, जैसे अभी अनुज अग्रवाल जी, केवल मेरा आपसे एक सवाल है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन तो कम से कम मैं समझता हूँ, हो सकता है महीना भी लग जाए, जो इन्होंने अभी लागू किया उसको महीना भर तो लगेगा ही, या नहीं लगेगा अगली बार अनुज अग्रवाल जी, जो क्योंकि आप मुझे अब मैं फिर बोल दूंगा, फिर आप जो है लड़ने लगोगे कि आप केवल वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सम्मान करती है जनता वरिष्ठ पत्रकारों को, आप एक प्रतिनिधि की हैसियत से ना बात करके अपना दूसरी बात, आप ये जवाब बताइए कि क्या एक महीना मेरे आइडिया से एक महीना लगेगा, एक महीने बाद यदि आचार संहिता लग जाती है तो क्या किसी को आरक्षण मिल पाएगा, अगर नहीं मिल पाएगा तो ऐसा काम आप क्यों कर रहे हो, या तो चुनाव से पहले ऐसा करते जो लागू हो जाता, ये बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। अगर मैं आज भी बता रहा हूं आपको, ये केवल अगर बजट आता है तो देखिए साल के बाद, अरे एक महीने, अरे 20 दिन में एक महीने में आचार संहिता लग जाएगी, क्या करोगे आप बजट का, फिर वही गलत पब्लिक को भड़का रहे हैं, अगले साल पब्लिक को भड़काने का काम कर रहे हैं, आचार संहिता में थोड़ा सा समय, आचार संहिता लग जाएगी नहीं कहां लागू करोगे, आचार संहिता में थोड़ा सा समय, कोई भर्ती करोगे आप बताइए, आप बताइए, इसका मतलब आप वहां भी कानून लाओगे कि आचार संहिता में आप भर्ती करोगे, आपने आचार संहिता बीच में ला दी, आचार संहिता का अभी लेना मतलब अभी कानून बनने दीजिए, कानून बनने दीजिए, आप समर्थन में आइए, कानून बनाइए, एसपी समर्थन में तो है, लेकिन नाराजगी इस बात को लेकर है कि सारा जो सवर्णों का वोट बैंक है, कहीं ना कहीं आलोचना करना, कोई काम कर लीजिए, उनका काम आलोचना करने का, केवल आलोचना करने का काम है, अरे काम अच्छा काम हो रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा, ये घबरा चुके हैं, ये रात रात भरी ने नींद नहीं आई, तो आरक्षण के मसले को, आरक्षण के मसले को भी जुमलेबाजी की तरह देखें, संजय चौधरी हम सब तैयार बैठे हैं, आप इस देश से जाने वाले, इस मसले पर साथ क्यों दे रहे हैं संजीव चौधरी, संजीव चौधरी फिर इस मसले पर साथ क्यों दे रहे हैं सरकार का, हमने मना कब किया जी, हम विपक्ष में कब है, हमारी तो केवल इतनी सी बात है कि इन लोगों को ये जुमलेबाजी बंद करके ये कुछ पहले कर देते, मतलब जो काम जब कर दिया तभी आप विरोध कर रहे हैं, मतलब जो विरोध कर साथ पर दीजिए संजीव चौधरी, आप भाई हम साथ नहीं है, हम सरकार की किसी भी जुमलेबाजी में साथ नहीं है, सरकार के किसी भी कदम में, आपका जो निर्णय लेने का रात को 12 बजे एक अधिकारी को हटा देते हो क्योंकि वो आपके खिलाफ सुबह रिपोर्ट देने वाला है, क्यों भाई आप तो हिटलर साइड चला रहे हो, इसका मतलब तो आप जिम्मेदार विपक्षी पार्टियां है ना, तो आप सड़क पे उतरिए, प्रदर्शन कीजिए, दबाव बनाइए, सुप्रीम कोर्ट में सुनिए, ऐसा क्यों करने दे रहे हैं, आज अधिकारी वापसी कर दिए, सरकार की हार हुई आज, सरकार ने अपना काम किया, उस इशू पे क्यों आ रहे हैं, फिर मसले बदल गए, फिर मसले बदल गए, फिर हम आज सीबीआई के मसले पर जाते हैं, संजीव चौधरी की हैसियत से यहां नहीं आते हैं, आज आप नहीं, फिर वही बात आती है, संजीव चौधरी नहीं संजीव चौधरी आप मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी नहीं नहीं संजीव चौधरी संजीव चौधरी संजीव चौधरी हर बार आप एक ही बात करते हो, आपको आता है नहीं, नहीं संजीव चौधरी आपको नहीं आता, क्या आता आपको, संजीव चौधरी नाम पे जो है क्या कर रहे हो आप, संजीव चौधरी संजीव चौधरी गलत बात है, गलत बात है, निजी हमला नहीं, निजी हमला नहीं, नहीं संजीव चौधरी गलत बात है, निजी हमला नहीं, निजी हमला नहीं, निजी हमला नहीं, ये बहस एक घंटे की है, संजीव चौधरी संजीव चौधरी संजीव चौधरी संजीव चौधरी अगर सरकार की गलत नीति है ठीक है छोड़िए ना, अनुज अग्रवाल नहीं है मुद्दा, अनुज अग्रवाल मुद्दा नहीं है, आरक्षण मुद्दा है, संजीव चौधरी बात समझिए ना, चिल्लाने से देखिए बात आपकी नहीं मान ली जाएगी, आप कह रहे हैं गलत है और फिर भी आप साथ दे रहे हैं, क्यों साथ दे रहे हैं ये बताइए ना, हमने कहा टेक्निकल बताइएगा, चिल्लाइएगा नहीं, हमने केवल कहा इनका हाँ, तरीका हाँ, समय गलत है, समय गलत है ना, लेकिन साथ आप देंगे, साथ आप लेकिन देंगे, हमारे पत्रकार हाँ, भाई हमेशा पूरी बात सुनते नहीं है, वही तो सवाल उठाएंगे ना, यही कह रहा हूँ कि पत्रकार
फिर बात नहीं बनेगी ना यहाँ पर। आपको आपसे मनोज अग्रवाल पर उंगली नहीं उठा रहे, आप सारे पत्रकारों पर उंगली उठाने लगे। फिर वही बात है ना, वो वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो में है तो उनकी बात को आप सुनेंगे, तवज्जो देंगे। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जब वो बार बार मोदी जी हमला कर रहे हैं, हम उस पर ही कर रहे हैं। जब वो बोलते हैं हम बोलते ही नहीं है, तो फिर तो वही चीज है ना, वही चीज आप लेकिन जब भी बोल रहे हैं आप बीजेपी पे कम बोल रहे हैं, अनुज अग्रवाल पे ज्यादा बोल रहे हैं। मुद्दा अनुज अग्रवाल थोड़ी आरक्षण है सर। पवन शर्मा ठीक है, एनपी सिंह सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आज आप इस पर आवाज हमारा विरोध कर रहे हैं कि ये इस समय क्यों लेकर आए हैं। आप पिछले 10 साल 4 से 14 तक कांग्रेस की भी सरकार थी, आप उसमें समर्थन में थे और 10-11 में एक समिति की रिपोर्ट आ गई थी, आपने उस वक्त इसको लागू नहीं किया, कर सकते थे आपने लागू नहीं किया। आज अगर हमारी सरकार हमारी पार्टी इसको लेकर आई है तो आप लोगों ने समय को लेकर आवाज उठाई है, किसी समय भी करते तभी भी पवन शर्मा तो आवाज को आपको समय को लेकर नहीं उठानी चाहिए। 2010-11 में कमीशन बैठाया गया था, उसकी रिपोर्ट करीबन 2013 की लास्ट नहीं 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 6 में बैठाया गया था, 11 में 10-11 में रिपोर्ट 2010-11 में आ चुकी है। अच्छा चलो 6 में सुनो उसके आधार की बात नहीं, ठीक है अगर तथ्य कुछ सही, अगर उसके आधार पे बात कर रहा हूं, अगर उसके आधार पे 10% का मैं जवाब दे रहा हूँ। अच्छा एक चीज बताइए उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी, संजीव चौधरी चिल्लाने से बात नहीं होगी, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी, आपकी सरकार गई, अगर टाइमिंग को लेकर कोई सवाल गलत बता रहा है तो हम सही करेंगे ना कि आपकी सरकार थी आपकी सरकार आज नहीं है, तो हम सही करेंगे ना। आप क्यों फिर पर्सनल हो रहे हैं, नहीं चिल्लाने से देखिए बात नहीं होगी सर, जो आरक्षण की बात कीजिए ना, बीजेपी वाले दास कर रहे हैं ना, फिर कांग्रेस की बात है सर, आपके साथ ही है कांग्रेस की बात को सुनिए। पवन शर्मा पितरी सी बात है, बीजेपी उन्होंने सिर्फ तथ्य सही किया था, उन्होंने सिर्फ तथ्य सही किया था। पवन सिंह साहब कह रहे हैं आपने जो है 2010-11 में क्यों नहीं किया, चलो हमने नहीं किया, हम नहीं किया हमारी सरकार चली गई क्योंकि जनता ने इसी वजह से हमें उतार भी दिया। आपने तो आपको तो 4 साल 8 महीने हो गए, फिर आपको अभी ये क्यों जाते जाते याद आया, आपको तो सिर्फ 100 दिन बचे, आप मुझे बताइए, जवाब दीजिए। हमने 4 सालों में बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर काम किया है, सारे आपके सामने हैं। छोड़िए उसको बताइए, आप इस पे क्यों नहीं आए, मुद्दे पे आइए, बहुत से मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, बात नहीं है, ठीक है पवन शर्मा देखिए हाँ सब मुद्दों पर काम किया गया है 2014 में, लेकिन सारे मुद्दों पर बात बनी नहीं ना, कई मुद्दों पर आप घिर गए सर। नहीं नहीं राम मंदिर का मसला देखिए ठंडे बस्ते में धीरे धीरे जा रहा, राम मंदिर का मुद्दा आपने सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात कह दी आपने, सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा चल रहा है, इस मुद्दे पर बात ही नहीं हुई ना, किस पर राम मंदिर के मुद्दे पर कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो फैसला सुनाएंगे उसके बाद ही हम राम मंदिर बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट लेकिन राम मंदिर के मसले पर आप आए थे सत्ता में, आरक्षण के मसले पर तो नहीं आए थे, लेकिन इस बार लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हमारी ड्यूटी शुरू होती है, तो क्या इस बार आपके मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मसला नहीं होगा और आरक्षण का मसला सबसे ऊपर होगा? नहीं, अगर आरक्षण का मुद्दा कहीं कोर्ट में होता तो शायद हम आज भी उस पर आवाज नहीं उठाते, वो कोर्ट में मैटर नहीं है, राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में जब तक फैसला नहीं आता तब तक हम उस पर आवाज नहीं उठा रहे हैं, कोर्ट में आने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी, जैसे भी आएगा पक्ष में आता है विपक्ष में आता है, पिछले कई सालों से चल रहा है। हाँ अगर आप देखेंगे तो फिर आप क्यों अपने उसके मैनिफेस्टो में लेके आए इसको, आप अगर यही बात करते हो तो कोर्ट में मुद्दा तो पहले से चल रहा है, तो क्यों मैनिफेस्टो में लेके आया? इस बार यही तो चालाकी की गई ना, यही तो चालाकी की गई पवन शर्मा, यही तो चालाकी की गई कि आर्थिक आधार पर अब कोर्ट की चौखट पर जाएगा तो वहां से मुंह की खानी पड़ सकती है। नहीं नहीं ऐसा ना, देखिए आर्थिक आधार मैं तो हम कह रहे स्वागत योग्य कदम है और सारी जनता जानती है आज की, इन्होंने जो ये सिर्फ इनके पास 100 दिन बचे हैं, 100 दिन भी अब तो मेरे हिसाब से 95 दिन ही रह गए हैं, उसके अंदर अगर ये कुछ सगुआ छोड़ा गया है या कोई नियम लाया गया जो नियम बनाया गया है ये अभी तो कोई काम आने वाला नहीं है, जो भी सरकार आएगी चाहे वो भाजपा की सरकार आए कांग्रेस की आए ये उन्हीं को करना है। अब कई बार ऐसी कोई जो गठबंधन की सरकारें आएंगी उनमें ये विधेयक ये जो कानून किस हिसाब से लागू होगा क्या होगा वो आगे आने वाला परिपेक्ष बताया गया कि उसमें इसकी हस्र क्या होने वाला है। मेरे प्रिय दोस्त ठीक है संजीव चौधरी पक्ष रखिए, एसपी का पक्ष रखिए जी पूरे मामले में कि आप समर्थन भी कर रहे हैं और समर्थन में नहीं। देखिए हमने समर्थन किया है, हम समर्थन से नहीं पीछे हट रहे, लेकिन हमारी तो सिर्फ इतनी सी बात है, यही तो मैं जब से कहता रहा हूं 100 दिन में कैसे आप इसे लागू करेंगे, जहां तक ये पीछे 10 साल की बात, वो सिरदर्दी तो सरकार की है ना? नहीं नहीं वो सिरदर्दी तो ये 1 साल पहले भी ले सकते थे,
एक साल पहले भी हमारा इतना ही तो विरोध है। हाँ। अब इनकी गलत बात का सच मान के और अपने घर को चले जाएं तो ये तो ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, ये पहले भी इसको कर सकते थे। ये केवल हमारा इतना कहना है चुनावी लाभ लेने के लिए इन लोगों ने ऐसा किया है कि चुनावी लाभ मिल जाए। ये लागू कर ही नहीं पाएंगे किसी भी रूप में। ठीक है, एनपी सिंह साहब जल्दी। आपने कहा कि पहले कर सकते थे, 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। अगर विधानसभा के चुनाव से पहले करते तब आप ये कहते कि विधानसभा को जीतने के लिए इन्होंने काम कर दिया, फायदा मिल जाता। जब भी हम कोई भी काम करेंगे तो आप कोई ना कोई इलेक्शन होगा। हाँ। कोई ना कोई बातें ऐसी होंगी जिस पर आपको विरोध करना है, आपने विरोध करना उस पर करना ही है। बड़ा इलेक्शन है, लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है ये बड़ा इलेक्शन। विधानसभा चुनाव के टाइम पे आता तब भी आप उस बात को ले आते हैं। देखिए, 5 साल बाद आता है इलेक्शन, ये पूरे देश की गद्दी का चुनाव है, ये राज्यों का चुनाव नहीं है। नहीं, देखिए चुनाव हर समय हिंदुस्तान में होते हैं, कभी प्रदेश में होते हैं, कभी देश में होते हैं, कभी नगर निकाय में होते हैं, कभी दूसरे होते हैं। बात को घुमा रहे हैं, घुमाने की बात जवाब है ही नहीं जिनके पास। आज की डेट में बिल्कुल सही से पास सर जो चुनाव बीजेपी आ जा रहा है, बीजेपी के पास ये एक मुद्दा लेकर आए और वाकई इस मुद्दे के चलते ध्यान पूरे देश का एक तरफ चला गया है। ये विपक्ष जो सत्ता में पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी है, सोची समझी चाल चली इन्होंने। देखिए, ये तो रणनीतिक कौशल है भाजपा का। जैसे कांग्रेस ने घेरा राफेल मुद्दे पर, बहुत जबरदस्त तरीके से घेरा, चाहे मुद्दा और इसमें इसमें हो, इसमें सपा साथ में नहीं है, इसमें सपा कांग्रेस के साथ नहीं है। अब देखिए, रेत घोटाला लगातार राफेल पे घेर रही है सपा ने। अब कौन दोषी नहीं है, लेकिन सपा ने लोकसभा में घेर लिया सरकार को कि भाई सीबीआई का इस्तेमाल करें। तो अपने अपने तरीके हैं हर पार्टी के, तो भाजपा अपना तरीका खेल रही है। अब सबको अपने अपने पत्ते खेलने का अधिकार है इस राजनीति में, चाहे सपा खेले, चाहे कांग्रेस खेले, चाहे भाजपा खेले। अब जीतता कौन है उसका जनता पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये अगला प्रश्न होता है। समझे ना, बिल्कुल। तो मतलब जो सवर्ण नाराज चल रहे थे यहाँ पर, बिल्कुल भाजपा ने नाराजगी दूर करने उनका परंपरागत वोट बैंक है उसको साधना। अच्छा, बात बने या ना बने, फिर भी उनकी नाराजगी कहीं हद तक दूर होगी। देखिए, बात कहीं ना कहीं तो लगता है कि आप उनके साथ खड़े हो। दूसरा, इस मुद्दे पर, इस मौके पर, जबकि तीन महीने रह गए हैं लोकसभा चुनाव के, सरकार अपनी फजीयत नहीं कराएगी। कहीं ना कहीं उन्होंने होमवर्क किया हुआ होगा, कहीं ना कहीं उन्होंने सारी स्टडी की होगी। अगर उसके बाद गड़बड़ी होती, सरकारी फजीहत होती, सरकार के लिए बहुत बड़ा तमाचा होगा ये, इसमें कोई शक नहीं है। और जो जैसे सपा के हमारे चौधरी साहब कह रहे हैं, वो सरकार ये अगर नहीं इंप्लीमेंट होगा तो निश्चित रूप से वोटर इनके हाथ से निकल जाएगा। आखिरी दांव यहाँ पर खेला गया, आखिरी दांव मुझे लगता है कुछ और दांव खेलने जा रही है भाजपा, जैसे हमारे पास खबर आ रही है। हाँ। तो अभी कुछ और मास्टर स्ट्रोक इनके आने, ये तो ब्रह्मास्त्रों के कुछ और मसले लेकर आएंगे। ठीक है, मुद्दे पर बहुत 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 शुक्रिया सभी मेहमानों का इस डिबेट में शामिल होने के लिए। आरक्षण का मसला ऐसा है कि जो पार्टियां समर्थन दे रही हैं वो भी आलोचना कर रही हैं सरकार की, जो समर्थन नहीं दे रही हैं वो भी आलोचना कर रही हैं सरकार, क्योंकि समय ऐसा है, लोकसभा चुनाव बहुत जल्द, बहुत नजदीक। बहरहाल, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ओके सर।